हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशनल हब यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, अभी थोड़ी देर पहले मैंने स्पेशल एजुकेशन कोर्स के एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं वो वाली वीडियो अपलोड कर दी है। दोस्तों, आरसीआई का एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है जिसके अंदर उन्होंने ये बता दिया है कि 2019-20 बैच के लिए स्पेशल एजुकेशन कोर्स में एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी देता हुआ चलूंगा कि कौन सा एग्जाम आपको क्वालिफाई करना होता है, AIOAT क्या होता है, क्या है रजिस्ट्रेशन डेट, क्या कब निकलेंगे एडमिट कार्ड, कब होगा ऑनलाइन एग्जाम, और दोस्तों कब होगी आपकी फर्स्ट काउंसलिंग, सेकंड काउंसलिंग, और कब होगा आपका फाइनल एडमिशन। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना। और दोस्तों, मैं आपको बताता हुआ चलूं कि स्पेशल एजुकेशन कोर्स पे स्पेशल एजुकेशन की वीडियोस ही अपलोड करी जाती है। तो जो जो लोग स्पेशल एजुकेशन फील्ड से हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली जितनी भी स्पेशल एजुकेशन वाली वीडियोस हैं उनकी अपडेट आपको मिल जाए। दोस्तों, मैं यहां पर शुरू करता हुआ चलता हूं। आप यहां पर देख लेंगे स्पेशल एजुकेशन में कोर्स में एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। एडमिशन 2019-20 बैच के लिए AIOAT एग्जाम होता है, ये ऑनलाइन एग्जाम होता है। दोस्तों, इसके फुल फॉर्म में आपको बताता हुआ चलूं, ऑल इंडिया ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट, इसको क्वालिफाई करना होता है। उसके बाद ही आपकी काउंसलिंग होती है और उसके बाद होता है आपका फाइनल सिलेक्शन यानी कि फाइनल एडमिशन। तो दोस्तों, जो जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो मैं आपको बताता हुआ चलता हूँ, कब से होंगे रजिस्ट्रेशन स्टार्ट। तो दोस्तों, मैं आपको बताता हुआ चलूं कब से होंगे रजिस्ट्रेशन स्टार्ट, और 1 फरवरी से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट हो चुके हैं? 1 फरवरी। तो इसके लिए जो है मैं वीडियो बना दूंगा कि आप किस तरह से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन घर बैठे कर सकते हैं। आपको साइबर कैफे जाने की जरूरत नहीं है। मैं वो वीडियो बना दूंगा कि कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट लगाने हैं, कौन कौन सी क्वालिफिकेशन आपको फिल करनी है, क्या नाम डालना है आपको, जो 12th क्लास का आपका क्या रहता है, अगर आप अपीयरिंग वाले तो आप उसको किस तरह से फिल करेंगे। दोस्तों, ये होती है रजिस्ट्रेशन स्टार्ट। इसकी लास्ट डेट क्या है दोस्तों? 1 फरवरी से लेकर है ये 15 मार्च तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं ऑनलाइन। और दोस्तों, उसके बाद एडमिट कार्ड जो आएंगे इसके, एडमिट कार्ड आएंगे दोस्तों 25 मार्च को, यानी कि 10 दिन बाद एडमिट कार्ड रिलीज कर दिए जाएंगे। और उसके बाद मैं आपको बताता हुआ चलूं कि डेट ऑफ कंडक्ट ऑफ ऑनलाइन एग्जाम यानी कि किस दिन एग्जाम होगा, ये होगा 21 अप्रैल को। 21 अप्रैल को ये एग्जाम हो जाएगा ऑनलाइन। तो दोस्तों, इसको आप किस तरह से क्वालिफाई करें इसके लिए बुक्स की अपडेट आपको चैनल पर मिल जाएगी। चैनल के साथ जुड़े रहना। अब तो यहाँ एग्जाम हो जाता है, एग्जाम होने के बाद इसका रिजल्ट कब आता है और काउंसलिंग कब आती है उसके लिए मैं आपको बताता हुआ चल रहा हूँ आगे। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर जो इसका रिजल्ट आने वाला है, रिजल्ट आएगा 24 अप्रैल को। इसका रिजल्ट आ जाएगा। और दोस्तों, इसके लिए जो राउंड ऑफ एडमिशन 1 यानी कि जिस दिन फर्स्ट काउंसलिंग होगी वो होगी 30 अप्रैल से 6 मई। फर्स्ट काउंसलिंग। और दोस्तों, सेकंड वाली जो होगी वो होगी यानी कि इसमें अगर कुछ बच्चे जिनके डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं होते या कुछ मैटर रहता है तो दोस्तों उसके बाद जो अगली काउंसलिंग है वो है 8th मई से लेकर 15th मई, यानी कि 8 मई से लेकर 15 मई तक। और उसके बाद जो लास्ट में है यानी कि फाइनल राउंड ऑफ एडमिशन वो है 17 मई से लेकर 25 मई तक। उसके बाद एडमिशन क्लोज हो जाएंगे और जितने लोगों का, बच्चों का एडमिशन होगा उनका फाइनल एडमिशन हो जाएगा। दोस्तों, लास्ट क्या है, 17 मई से 25 मई तक। अब दोस्तों, इस फॉर्म को किस तरह से आपको फिल करना है, इसकी फीस क्या है वो मैं आपको बताता हुआ चलूं। इस फॉर्म को किस तरह से फिल करना है उसकी मैं वीडियो बना दूंगा। दोस्तों, जनरल ओबीसी के लिए 500 रुपये, और दोस्तों SC ST और PWD यानी कि पर्सन विद डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स के लिए है 400 रुपये। दोस्तों, इतने आपको पे करने पड़ेंगे। ऑनलाइन पेमेंट हो जाएगी आपके डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, या फिर आप ऑनलाइन बैंकिंग कर सकते हैं और उसके बाद आपका फॉर्म जो है फिल हो जाएगा। तो दोस्तों, ये चीज़ें मुझे आपको बतानी थी। अब मैं थोड़ी देर में एक वीडियो अपलोड करने वाला हूँ कि आप किस तरह से उस फॉर्म को फिल करेंगे। तब तक चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू ऑल ऑफ यू। कीप वॉचिंग, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एजुकेशनल हब यूट्यूब चैनल।